अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फहद शहबाज खान और लक्ष्मी इस वक्त हम खड़े हैं। जो नशे के आदि अफराद हैं और अडिक्ट जो हैं उनकी तादाद जो है वो ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि किसी तरह की कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती दिखाई नहीं दे रही। और सीजे साहब की जानिब से इस पर आज खुद नोटिस भी हुआ और उस पर भी समाज जारी है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ टोलियों की सूरत में लोग बैठते हैं और बहुत सारी दफ़ा आपको लाहौर पूरे में ये सारी सूरत हाल दिखा सके हैं कि यहाँ सूरत हाल किस तरह की होती है और कितनी बेहंगम हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग फुटपाथों पे इस इधर मेट्रो जो ट्रेन है ऑरेंज लाइन ट्रेन उसके पुल के तले आपको ये सारी सूरत हाल नज़र आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजी भी मौजूद हैं। शाहजी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट आप पेश भी हुए, मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया था 25 मार्च को उसकी हियरिंग थी इस्लामाबाद में, तो मैंने भी एज ए पार्टी के लिए दरख्वास्त दी थी जिसमें CCPO लाहौर भी पेश हुए। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये ओपनली बात कही कि पानी से बढ़कर हमने अपनी नई नस्ल को बचाना है इस ड्रग्स की वजह से, और ड्रग का मसला बहुत ही इशू सेंसिटिव है। उन्होंने अभी लाहौर पुलिस के सरबराह से 15 दिन के अंदर मजीद रिपोर्ट तलब की है और मेरा 15 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक शायद इसकी हियरिंग हो, अब लाहौर में ये हियरिंग होगी। और हम मैंने ज़ाती तौर पर उनको वो तमाम चीज़ें बताई हैं जो हम तालीमी इदारों में ड्रग्स के खिलाफ 3 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन है। जॉन, आप इधर ही रहते हैं? सर, यहाँ नहीं, मैं रहता मैं मजांगचू की जीवार में रहता हूँ और यहाँ मैं नशा लेने आता हूँ। नशा लेने आते हैं? जी सर। मिल जाता है बड़ी आसानी से? सर, आसानी से मिलता है या बेचते हैं? यहाँ आप भी बेचते हैं कि आप सिर्फ खरीदते हैं? मैं सिर्फ लेता हूँ जी। कितनी पार्टियाँ इधर बेचती हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ? जी यहाँ तो काफ़ी लोग हैं बेचने वाले, यहाँ एक आधा तो है नहीं, यहाँ बहुत ही। आप इंजेक्शन लगाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं जी अपना स्निफ लगाता हूँ जी। क्या करते हैं? मैं स्निफ लगाता हूँ, सूंघता हूँ मैं। अच्छा, स्निफिंग करते हैं? जी जी। अच्छा, और कितने साल हो गए इस तरह करते हुए? मुझे तकरीबन हो गया 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल? इससे पहले आप नशा नहीं करते थे, सिगरेट पीते थे? हाँ, सिगरेट पीता था मैं। उसके बाद स्निफिंग पे आप गए? जी। और इससे हेल्थ में क्या मसाइल हुए आपको, सिम्टम्स क्या है? स्निफिंग करने से कोई मसला तो नहीं हुआ अभी तक? मसला तो मुझे अभी तक नहीं कुछ हुआ, और कहते हैं कि ये वैसे चीज़ ठीक नहीं है और इसके साथ मुझे मसला नहीं, जब ना पिए तो फिर ये बहुत तकलीफ़ देता है जी। क्या असरात होते हैं जब आप नहीं ले पाते टाइम पे? सर, कितनी देर बाद इसका नशा टूटता है? सर, इसका नशा टूटता है दो तीन घंटे के बाद ना इसका नशा टूटता है। अगर हम ना पिए तो सर जी ये बड़ा मसला देता है, प्रॉब्लम देता है, ये बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता, टांगों में दर्द, पूरे वजूद में दर्द होती है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अदील, कब से नशा कर रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मुझे नशा करते काफ़ी देर हो गया। अंदाजन कितने साल? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। तो यहीं बैठते हैं आप? नहीं, मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? डिस्टेंपर का काम करता हूँ। तो नशे के साथ काम कैसे संभाल लेते हैं? बस नशा उस हिसाब का करते हैं कि काम कर सकें। कितने से कितने काम करते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक, टाइमिंग क्या है आपकी काम करने की? ये टाइमिंग नहीं होती क्योंकि ये काम ही ऐसा है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, रंग का काम है। तो आपका घर किधर है? वैसे तो 5 बजे छुट्टी होती है। घर आपका किधर है? मेरा घर मुगलपुर है, लालपुर। तो आप मुगलपुर रोज घर जाते हैं? नहीं, घर कभी घर चले जाते हैं कभी यहाँ पे। अगर चले जाएं तो घर वाले क्या कहते हैं, नहीं जाने देते घर? नहीं, घर चले जाएं फिर बाहर नहीं निकलने देते, बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। फिर आप घर जाते ही नहीं? हाँ, इसी वजह से हम घर नहीं जाते। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप घर गए तो आपको कैद कर लिया गया? काफ़ी दफ़ा हुआ है, काफ़ी दफ़ा मेरे अबू ने मुझे पकड़ के बांध दिया है, लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आया। ये चीज़ ही ऐसी है, ये अगर बंदे ने ना लगाई हो तो बंदा वैसे ही मरने वाला हो जाता है। इधर कितने लोग, कितने लड़के मरे भी हैं इसी वजह से, इसी त्रोड़क से। इधर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है बंदे मरे हुए, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत मौतें हुई हैं बगैर नशे से, त्रोड़क से ही आदमी मर जाते हैं, जिसको नहीं मिलता वो मर जाता है। अगर ये टाइम पे ना मिलेगा तो ठीक, उसके दूसरे दिन उसी टाइम पर वो उसकी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, या तो वो उसके हाथ पे काम नहीं करेंगे। जब तक ये लगाया नहीं ना जाएगा तब तक बंदा काम नहीं कर सकता। आप इसे छोड़ना चाहते हैं? हाँ, छोड़ने की कोशिश तो आपने कभी की नहीं मेरा ख्याल? जान
छोड़ना तो चाहते हैं, हमारी बहनें हमारे भाई ऐसे बंदे ट्रोटक में मरते हुए देखे हैं। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, हम न्यू हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो ऐसे हैं, वो उन जितना भी महकमा है ना, सिक्योरिटी है, जो भी अंदर भी नहीं वो जाने देते, बोलते हैं बाहर चलो। वो उनको बोलते हैं हमें एडिक्शन का इंजेक्शन लगा दो ताकि हमें सुकून पहुँचे, हम ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना आए, ठीक है ना। वो हमें ना इंजेक्शन लगाते हैं, अलबत्त इलाज करने की बजाय हमें बाहर बता देते, वो बोलते चले बाहर चले आप। मेरे साथ कुछ और भी लोग इधर, बहुत सारे बड़ी तादाद में एडिक्ट होते हैं, कुछ और भी लोग हैं यहाँ। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ये जख्म आपको कैसे हो गया भाई? मैं सड़े आया, मैं 2-3 बजे गया म्यू अस्पताल। डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर काजमी साहब किधर है? मतलब ये जख्म इसका बहुत ज्यादा सीवियर है। ये एक्चुअली ना, जब ये सारी वेन्स इनकी खत्म हो जाती है तो फिर ये गर्दन में भी एक दूसरे के टीके लगाने शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से फिर ये, या ये जल गया होगा किसी जगह, गिर गया होगा। मेरे ख्याल है जब इसने नशा किया होता है तो इनको एट टाइम्स पता नहीं लगता, दे फॉल डाउन। अभी आपके लिए ये जरूरी है कि नहीं, वो आप अपनी जबान में ये उसे साड़ कह लें या जो भी कह लें, वो साड़ कह लें। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। नाराज क्यों हो रहे हैं, क्या हुआ? नाराज नहीं पता गाड़ी यार, क्या बड़ा तनु कहने है। अच्छा फिर जी भाई, मैं म्यू अस्पताल गया 2-3 बारी, मैनू अंदर नहीं वड़न देंदे पे, मेरी गल नहीं सुनते पे, हैं मैं कुछ 2-3 ये जितना भी निकला हुआ है ना इसको, ये सारा इसकी, ये जब निकलना शुरू होता है ना, ये साड़ निकल जाए बंदे को तो बंदा छिल। क्या कह रहे हैं जो मुख्य इनको क्या हुआ है? क्या हुआ इनको? तो चलो इंजेक्शन की वजह से ना वो एलर्जी हुई है, ताकि वो दवाई भी मेडिसिन असर नहीं करती, ठीक है ना। अलबत्त ठीक है ना, कोई ऐसा हॉस्पिटल हो, हुकूमत से गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है ना। गले पे टीके लगाते हैं जब नालियों में ना, जब खून के ऊपर वाली, तो फिर इस तरह होता है, शुक्र करें कि आर्टरी में नहीं लगे, आर्टरी में लग जाता तो ये डेथ हो जाती इनकी, ठीक है ना। अलबत्त हुकूमत से हमारी गुजारिश ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाए ताकि जो जिधर आप जब हम जाएं, हमारी बात सुने, हमारा इलाज किया जाए, ठीक है ना, हमारी केयर की जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी, हमारा भी दिल करता हमारी लाइफ जो है ना, आगे वाली जो लाइफ, ताकि वो अच्छी गुजरे। फिलहाल साहब ये अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमारी बात ही नहीं सुनते हॉस्पिटल वाले, और क्या सूरत हाल क्या है? बिल्कुल मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ, ये बता रहे हैं ये इनका गिला है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं हमें इलाज मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन तो हमारे साथ चले, अभी आपको जाके दिखा सकते हैं आप दूर रुक के आप देख सकते हैं। हमारा मन नहीं करता हम अपने अच्छे माँ बाप में अपनी अच्छी लाइफ गुजारे, जब घर जाते हो तड़प तड़प के हमारा गुजारा होता। क्यों करते हो नशा? छोड़ दो यार, जब छोड़ते हैं, जब छोड़ते तड़पते हैं, माँ बाप को तड़पता हुआ देखा नहीं जाता, वो कैसे, माँ बाप भी परेशान, खुद भी परेशान है। शुरू क्यों किया? हॉस्पिटल वाले भी बात नहीं सुनते। शुरू को अच्छा, बंदा जब गलती कर लेता तो अल्लाह ताला के इंसान को माफ नहीं करता, माफ करते हैं, लेकिन हमारा मन भी करता था कि ठीक है ना लाज करवाएं, ठीक है ना। लाज ऐसे तो नहीं होना, जब आप बोल रहे हैं वैसे छोड़ दें, ये कोई धागा था जो आवाज का था गुब्बारा छोड़ दें, ठीक है ना, ये ऐसी बात नहीं है, मामूली नहीं है, ठीक है ना, इसका लाज है। इधर हम अगर हम नशे पे लगे हैं, हमारी हमें हम इंसान हैं भाई जान, हम इंसान हैं ना, हम जानवर तो नहीं हैं, हमें इंसान ही नहीं समझा जाता, ये क्या है? ये जो भी कोई इधर आता है हमें इंसान ही नहीं समझता है, इतनी एलर्जी करता है क्या इसकी कोई, हम भी इंसान हैं, हम पे भी दिल है। ये आपके नशे से है, इंसान से नफरत नहीं करता। देखो आपको जब भी अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो फिर आप लोग वहीं से भाग आते हैं, फिर आप लोग उल्टा उनका नुकसान करके आते हैं। देखिए बाद में इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास किल्लत है रिसोर्सेज की, इनका गिला कुछ हद तक जायज़ भी है, लेकिन अब ये इतनी तादाद में, मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ कि पाकिस्तान में सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है वो इस नशे के में मुब्तला है, जिसमें सालाना, मेरी बात सुने आप, 1.5 करोड़ कह रहे हैं, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, 5% दुनिया शरीफ है, बाकी दुनिया सब नशे पे लगी हुई है। ये मैं नहीं मानता, 100 में से 5% दुनिया रह गई है जो नहीं नशा करती, 95% दुनिया नशा कर रही है इस टाइम, लड़कियों लड़कों समेत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इतनी इतनी सोनी लड़की इधर आके नशा करती है, मैं आपको क्या बताऊं? आप देती हो? आप कभी दी है आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की को? अपने हाथों से कितनी मर्तबा लड़कियों को इधर टीका लगाया है। होती है कहाँ की होती है वो लड़की? कॉलेज की होती है, रुली होती है वो। आप बेचते भी हो? नहीं बेचते नहीं है। आप क्यों देती हो? हम सिर्फ पीते हैं बस। आपके साथ पीती है, आप बेचते हो? नहीं पीते हैं हम, ले
فہد بھائی یہ بڑے قابل رحم لوگ ہیں، ہم یہاں سے جب بھی گزرتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات ہے کہ جو پولیس والے ہیں وہ ان سے منتریاں لے کے جاتے ہیں، اور پولیس جو نیا سیٹ اپ آیا ہے وہ بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، ان کی یہ جو ان کے منشیات کی روک تھام کے لیے، ان کو عادی افراد کو پکڑنے کے لیے ایک منشیات کا سیل بنایا گیا تھا، اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بھی برے ہو گئے ہیں، جو انویسٹیگیشن تفتیشی ہیں وہ سیل کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اور کسی اور جگہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کو جو ہیں وہ فنڈز نہیں پورے دیے جا رہے، فنڈز کی کمی کی وجہ سے جو انہوں نے سیل بنایا تھا وہ اب جو ہے اس میں تفتیشی افسران کی کمی ہو گئی ہے، وہ دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہمیں شہزاد آپ ادھر ہی بیٹھتے ہیں جی، کتنے سال ہو گئے آپ کو بیٹھتے ہیں یہاں؟ 4 سال ہو گئے. 4 سال سے ادھر ہی ہوتے ہیں؟ تو نشہ تو آسانی سے مل جاتا ہوگا آپ؟ ہاں جی ملتا ہے یہاں سے. اور کون دے کے جاتا ہے کوئی پتہ ہے؟ بس ایسے آتے ہیں دے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. بائک پہ آتے ہیں؟ بائک پہ یا پیدل، کوئی بھی نشہ ہی آتا ہے وہ دے کے چلا جاتا ہے. شکلیں دیکھ لیتے ہو آپ؟ ہاں جی. جانتے ہو پہچانتے ہو؟ پہچانتے کیا ہیں کہ کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی، مسلسل ایک تو نہیں آتا، کوئی نہ کوئی آتا ہے دے کے چلا جاتا ہے. پولیس والے نہیں آتے؟ پولیس والے کیا کہتے ہیں آپ کو، پیسے لے کے جاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں یہاں پہ آ کے؟ پولیس والے مارتے ہیں ڈنڈے، وہ بھی روکتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دکانوں والے آپ کو بیٹھنے دیتے ہیں یہاں؟ نہیں وہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے، منع دیکھ رہا تھا کہ ان دکانوں والوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، وہ بھی ان کو یہاں سے بھگا رہے تھے، مار رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ کاروبار میں جو گاہک ہیں وہ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے نشے وغیرہ بٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، وہ بھی ان کو نکال رہے تھے. تو میرے خیال میں ان کے لیے رہنے کے لیے اب یہ یہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں، یہاں سے اور جگہ چبرجی چلے گئے ہیں، یہاں پہ ان کی تعداد جو ہے نا وہ پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، تو یہ کم نہیں ہوئے، یہ نشے کے افراد کم نہیں ہوئے، ان کی تعداد یہاں سے اور جگہ پہ شفٹ ہو گئی ہے. جب تک کوئی مشکل لائے عمل نہیں ہوگا تب تک یہ ایسے ہی رہیں گے اور ان کا حالات ایسے ہی رہیں گے. ان کے لیے مشکل جو حکومت کو سوچنا چاہیے، پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں فہد بھائی کہ جب تک کوئی ریہیبلیٹیشن ادارہ نہیں بنتا، اب دیکھیں پولیس والے کو ہم کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کاروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو کہاں پہ رکھیں؟ جب ان کا وہ چلان کرتے ہیں عدالتوں میں چلان جاتا ہے، اس کے بعد جوڈیشل ہو جاتے ہیں، اب جوڈیشل میں جو جیلوں میں ان کو رکھنے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں ہے، اور جیلوں والے بھی کہتے ہیں یہ سارے ایڈس کے مریض ہوتے ہیں، ان میں اکثر ان کے لیے پولیس صاحب کو کچھ کہتی ہیں؟ پولیس یہ کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، پولیس نے کیا کہنا بچائی نے، وہ آتی ہے جو آپ کو پتا جو ہماری پاکستان کی پولیس کیسی ہے، وہ جو ایسی ہے تو آپ کو پتا رشوت خور ہے. میں کہا وہ خود ادھر سے لے کے جاتی ہیں بارڈر پولیس والے. ہاں جی پولیس والے نشہ کرتے؟ پولیس والے چند میں نے زیادہ نہیں دیکھے، صرف ایک دو دیکھے ہیں جو ہیں اس بیماری میں، وہ بھی مبتلا ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان کو بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پیسے لیتے 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 پھر لگانے لگ کے، ایسے کئی ایسے افراد ہیں پولیس والے، سرکاری محکمے میں بہت ملازم ہیں جو آ کے یہاں پہ نا ان کے گلے میں کاٹ ڈالا ہوتا ہے. یہاں پہ بقایا نشے جو ہیں یہ اڈا ہے، یہ گڑھ ہے، یہاں پہ جو نشے ہیں وہ سیل بھی کیے جاتے ہیں. یہاں خود ہی بتا رہے کہ لڑکیاں آتی ہیں یا آگے سے وہ کسی کو بھجواتی ہیں، یہاں سے نشہ جو ہے سپلائی ہوتا ہے، اور یہ ایک گڑھ ہے لکشمی چوک. یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے کاروائی کی جانی چاہیے. جیسے مدثر بتا رہے تھے ان کو رکھتا کوئی نہیں، بھائی کون رکھے گا ان کو؟ آپ کے لیے ہسپتالوں میں اتنی اسپیس نہیں ہے، ان کے گھروں میں ان کے گھر والے ان کو رکھتے نہیں ہیں، تو ان کو کون رکھے گا؟ اس کا تو پھر وہی حال ہے جو چائنا نے کیا تھا، ان سب کو اکٹھا کریں کوئی خاص جگہ پہ مقام پہ جا کے ان کو بس پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، وہی ان کا حال ہے. اب یہ لوگ جس حالات پہ یا جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. اب یہ کہیں کہ ہمیں سہولیات نہیں دی جاتی، یا ہم جب ہسپتالوں میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ مس بہیو کیا جاتا، تو یہ کریں گے آپ کے ساتھ؟ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ غلط بات ہے. وہ تو ظالم کے بچے تھے جنہوں نے ماؤں کو لالوں کو جا کے ان کو مار دیا تھا. آپ تو تکبر کرتے ہیں، آپ نہیں لگ سکتے نشے پہ؟ آپ تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تکبر نہیں انسان کو کرنا چاہیے، کسی کا بھی من نہیں کرتا. میں اپنے ہاتھیں اپنے ہاتھ سے اپنا پیسہ بھی ضائع کروں اور وقت بھی ضائع کروں اور اپنی جان بھی ضائع کروں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ بول رہے ہیں نا ہاسپٹل والے بات نہیں سنتے، ہاسپٹل والے بات سنے پھر وہی بات کرنے کو. اتنے اتنے مہنگے تارے بنائے ہیں، جتنے بھی لاہور میں تارے بنے ہوئے ہیں اتنے مہنگے تارے ہیں، مجھے 3-3, 4-4 lakh روپیہ سمجھ لیں کہ وہ 5-5 مہینے کا کورس کا لیتے ہیں، 4-4 lakh روپیہ وہ لیتے ہیں علاج کرنے کا. سرکاری جو ہاسپٹل وہ جب نام ہے تو وہ دوائی دے کے بھیج دیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. آپ بول رہے جا کے ان کو سب لوگ اکٹھے کر کے ان کو مار دیا جائے، یہ کسی کے ماں کے لال نہیں ہے، یہ بیٹے نہیں ہیں. بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن ادارہ بنایا جائے، وہاں پہ آپ کو رکھا جائے، وہاں پہ آپ کو سہولت دیے جائے.